हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज है मेरे पास वन प्लस 7T और इसमें जो है वो FRP लगी है। गूगल अकाउंट मांगता है जब वाईफाई कनेक्ट करो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे बाईपास करेंगे हम बिना किसी कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, और अगर आप स्किप करते हैं थोड़ा सा तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हुआ क्या यहाँ पर। तो आपको पहले दिखा देते हैं इसमें लगा क्या है। पहले हमने एक पुराना मेथड जो है वो यूज़ किया है, पर ये वाला काम नहीं कर रहा है। तो ये मेथड जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, टॉकबैक ऑन करेंगे। टॉकबैक ऑन करने के लिए हमें करना क्या है, वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस और होल्ड करके रखना है जब तक कि ऑप्शन ऑन ना हो जाए। तो इसको हम टर्न ऑन करेंगे। तो ये है टर्न ऑन का ऑप्शन, और एक बार फिर से हम दबा के रखेंगे वॉल्यूम अप डाउन को और ये टॉकबैक ऑन हो जाएगा। अब देखते रहिए हमें क्या करना है यहाँ पे। गूगल असिस्टेंट, एंड्रॉयड सेटअप और गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल करने के बाद सब कुछ हम बैक ले लेंगे एक बार। ये दोनों ही डिसेबल हो गए हैं। अब क्या करना है, बिल्कुल ही हमें बैक ले जाना है स्टार्ट पे। तो जल्दी जल्दी से बैक कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों, सब कुछ बैक तो नहीं हो रहा था, तो हमने फ़ोन को रिस्टार्ट कर दिया यहीं से। तो रीस्टार्ट करने के बाद हमारी जो ये प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्ले सर्विस हमने गूगल की डिसेबल कर दी है। और जैसे ही ये फ़ोन ऑन होता है तो बिल्कुल इसका FRP जो है वो बाईपास हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए और इसको पूरा स्टेप फॉलो करिएगा, ताकि आपके भी जो सोल्यूशन है मिले आपको। तो ऑन होने के बाद हमने फिर से सेटअप करने की कोशिश की, तो यहाँ पे ऑप्शन विजिबल हो गया सेटअप ऑफलाइन। तो करते हैं इस पर क्लिक ऑफलाइन पे, और देखा आपने कितने आसानी से ये इसका FRP जो है ये बाईपास हो गया। अगर आपके लिए भी ये ट्रिक काम किया है और आपके भी पैसे जो हैं ये हमने बचाए हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा भी बनता है, और चैनल में कमेंट ज़रूर करिएगा अगर ये आपके काम आया। तो सेटअप कंप्लीट होने के बाद हमने प्ले सर्विस गूगल की फिर से इनेबल कर दी है, और हमारा जो सोल्यूशन है ये 100% वर्किंग है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।